सरोकार। भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आज होगी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज 12 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठक होगी। बता दें सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष को भी बुलाया गया है। धर्मपाल सिंह और भूपेंद्र चौधरी बैठक में शामिल होंगे। बता दें निकाय चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा होगी। भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की आज बैठक होगी। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। बता दें आज 12 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठक होगी। सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष को भी बुलाया गया है। धर्मपाल सिंह और भूपेंद्र चौधरी भी बैठक में शामिल होंगे। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु से जुड़ेंगे। विवांशु, लखनऊ में भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की आज बैठक होगी, ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है? जी बिल्कुल मयूरी, अगर बात की जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के जो सभी प्रकोष्ठ हैं उनके अध्यक्षों की और तमाम जो जिम्मेदार हैं उनकी बैठक होगी। इस बैठक के सियासी मायने कई लगाए जा सकते हैं, क्योंकि मयूरी अगर देखा जाए तो निकाय चुनाव है और साथ ही साथ 2024 को लेकर अगर देखा जाए तो शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ हर एक जो वर्ग है, हर एक दलों का वो 2024 के चुनाव में जुटा हुआ है। उसी क्रम में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जो लगभग 64 प्रकोष्ठ हैं, जिसमें मजदूर संघ से लेकर चाहे बात की जाए पिछड़ा मोर्चा, चाहे बात की जाए किसान मोर्चा, चाहे बात की जाए महिला मोर्चा, व्यापार मोर्चा, इन सभी मोर्चों के सभी जो अध्यक्ष होंगे उनके साथ आज बैठक रखी गई है। 12 बजे बैठक शुरू होगी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में और साफ तौर से कहीं ना कहीं 2024 की रणनीति बनाने पर चर्चा होगी। और अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर जहां कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा चला रही है, अखिलेश यादव ने एक लक्ष्य के तहत हर एक महीने में 10 जिलों का भ्रमण कार्यक्रम रखा है और उसमें वो घूमेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, इसी क्रम में अब भारतीय जनता पार्टी भी कहीं पीछे नहीं रह रही है। आज बात की जाए तो आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की अगुवाई में ये बैठक होगी। प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रदेश के कप्तान हैं, उनके अगुवाई में ये बैठक होगी और सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्षों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। और साथ ही साथ आपको बताएं मयूरी कि हाल फिलहाल में अगर देखें तो केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको गिनाने का काम और मोदी सरकार योगी सरकार में क्या बेहतर हुआ है इसके भी निर्देश दिए जा सकते हैं कि मोदी का मंत्र आप लोगों तक पहुँचाएं, इन सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही आपको बताएं कि कहीं ना कहीं अभी देखें तो प्रदेश और साथ साथ देश में कोरोना की महामारी से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है। चीन और अन्य देशों में जो कोरोना की महामारी फैली हुई है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि कहीं स्थिति खराब ना हो, मगर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट मोड में तैयार है। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो अध्यक्ष की तरफ से तमाम जिम्मेदारों जो तमाम अध्यक्ष हैं प्रकोष्ठों के उनको भी दिशा निर्देश दिए जाए कि कैसे कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए आम जनमानस से संवाद बनाए। मयूरी अगर बात की जाए तो ये सभी जो प्रकोष्ठ है जी, हाँ, तो क्या इसको लेकर भी कोई मंथन हो सकता है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर से अगर देखें तो निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को ही लेकर मंथन होना है। अगर बात की जाए तो अभी निकाय चुनाव की जो ओबीसी की अधिसूचना जारी होनी थी उसमें अभी देरी लग रही है और कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पंडित हैं उनका मानना है कि दिल्ली जैसे दिल्ली MCD चुनाव में 6 महीने का वक्त लगा और प्रशासक के तौर पर अधिकारी दिल्ली MCD को चला रहे थे, ठीक वैसे ही हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिले, क्योंकि आने वाले 4 जनवरी को लगभग अगर बात की जाए तो सभी जो निगम के अध्यक्ष हैं, पार्षद हैं, उनके कार्यकाल पूरे हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो निकाय चुनाव की तिथियों की अगर घोषणा की जाती है जनवरी में तो वो संभव नजर नहीं आता है। और बात की जाए तो फरवरी में बोर्ड एग्जाम है, तो माना ये जा रहा है कि मार्च अप्रैल में राजनीतिक पंडितों के अनुसार कि मार्च अप्रैल में निकाय चुनाव जाएगा,
तो इसको भी लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ बैठक करके और इस बैठक में उचित दिशा निर्देश दिलाने के लिए कि आखिर हम अपने दल को कैसे बेहतर मार्जिन के साथ जिताएंगे। या बात करें तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पंचायत चुनाव में आपने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं कड़ा मुकाबला देते आया था समाजवादी आरएलडी गठबंधन, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव को लेकर पूरी आश्वस्त हो चुकी है, तैयार हो रही है और उसी को लेकर बैठक कर रही है। मयूरी, अगर बात की जाए तो ये 64 प्रकोष्ठ अलग अलग, एक देखे तो ये प्रदेश अध्यक्ष है अलग अलग प्रकोष्ठों को जो आज बैठक में सम्मिलित होंगे, बात की जाए तो हर एक प्रकोष्ठ के लोग आज जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनसे दिशा निर्देश लेंगे और निचली इकाई तक यानी कि अपने प्रकोष्ठ के जो तमाम पदाधिकारी हैं उनको उस हिसाब से गाइडलाइन जारी करते हुए निकाय चुनाव और साथ ही साथ 2024 के चुनाव को लेकर गुरु मंत्र देते नजर आएंगे। जी विवांशु, जो 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा उसको लेकर सभी पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। आज बड़ी बैठक हो रही है, बड़े प्रकोष्ठ शामिल हो रहे हैं, तो किन बड़े अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है और आप देख रही है कि धीरे धीरे भारत जोड़ो यात्रा की जो लोकप्रियता है अब लोगों की उसमें शिरकत करने की संख्या है उसमें भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए तो 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में यात्रा आ रही है जिसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को न्योता भेजा जा चुका है कांग्रेस की तरफ से। अगर बात की जाए तो सलमान खुर्शीद की तरफ से न्योता भेजने का कार्य किया जा रहा है और माना ये जा रहा है कि उसमें बसपा की सुप्रीमो सुश्री मायावती भी शिरकत करेंगी और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव चाहे आरएलडी के जयंत यादव ये सभी नेता नजर आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए मुश्किलों की घड़ी पैदा करते हुए नजर आएगी क्योंकि देखा जाए तो सभी विपक्षी दल भारत जोड़ो यात्रा में अगर शिरकत करते हैं तो आम जनमानस को एक गलत जो भाजपा के अलग भाजपा के अगर देखें तो कहीं ना कहीं भाजपा से अलग थलग करने की जो सोच लेकर वो चल रहे हैं उससे कहीं प्रभाव न पड़े इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने सभी प्रकोष्ठों की बैठक में कहीं ना कहीं इसको भी लेकर निर्देश दे सकती है क्योंकि अगर देखा जाए तो निकाय चुनाव समीप है और ये यात्रा कहीं निकाय चुनाव पे अपना प्रभाव न डाले इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे होमवर्क में लगी हुई है। जी जी धन्यवाद भुवांशु तमाम जानकारियों के लिए। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का झांसी दौरा है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें सपा पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव से मिलेंगे अखिलेश यादव। झांसी जेल में बंद है सपा पूर्व विधायक दीप नारायण। झांसी जेल में मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का झांसी दौरा है आज। सपा पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव से मिलेंगे। बता दें झांसी जेल में बंद है सपा पूर्व विधायक दीप नारायण। झांसी जेल में मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु से जुड़ेंगे। विवांशु, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज झांसी दौरा है, कितनी महत्वपूर्ण ये दौरा होने वाला है अखिलेश यादव का और क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी मयूरी, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से एक नई रणनीति की तैयारी के तहत अब उन्होंने ठाना है कि हर एक महीने में हम 10 जिलों का भ्रमण करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले तक, साथ ही साथ कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए। आपने देखा कि वो हाल फिलहाल में मैनपुरी से लेकर कानपुर और तमाम जगहों का वो भ्रमण किए हैं, उसी क्रम में 22 दिसंबर को उनका झांसी दौरा था मगर प्रशासन की तरफ से हेलीकॉप्टर ना उतारने की अनुमति मिलने पर वो दौरा रद्द कर दिया गया था।
उसके बाद बताएं कि आज अखिलेश का वो झांसी का कार्यक्रम आज फिर रखा गया है। वो झांसी पहुंचेंगे जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण यादव से मुलाकात करेंगे जेल के अंदर में। आपको बताया कि मुलाकात के दौरान अगर बात की जाए तो तमाम वो मुद्दों पे बात करेंगे, साथ ही साथ दीप नारायण यादव का हालचाल जानेंगे, क्योंकि देखा जाए तो दीप नारायण यादव एक पुराने समाजवादी नेता हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अखिलेश अपने पुराने नेताओं के साथ संवाद करके और पार्टी को एक बार फिर जान फूंकने में लगे हुए हैं। वही अगर बात की जाए तो वहाँ वो लगभग 45 मिनट मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद वो देर शाम सीताराम कुशवाहा के आवास जाएंगे। समाजवादी पार्टी के ये एक नेता है जो लंबे अवसर से समाजवादी पार्टी का हिस्सा है, तो इनके घर जाकर इनके आवास जाकर वहाँ वो शाम की चाय पे लोगों के साथ बैठेंगे और उनके घर जाके उनके परिजनों से मिलेंगे। उसके बाद अगर बात की जाए तो जो झांसी के महानगर अध्यक्ष हैं तन्वी आलम, उनके घर जाएंगे, उनके परिजनों से मिलेंगे। साथ ही साथ कहीं ना कहीं देखा जाए तो अखिलेश यादव का जो एक नया पैतरा है कि अब कार्यकर्ताओं को घर जाएंगे, उनको मजबूती देंगे, साथ ही साथ उनको प्रमोट करके आगे लाने का काम करेंगे। उसी क्रम में आपको बताएं कि वो सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण यादव के सजा याफ्ता जो लेखराज है, लेखराज यादव, उनके घर जाकर और पुलिस कस्टडी से छुड़ाने के आरोप में वो 2 महीने जेल में बंद थे और उनकी अब बेल हो चुकी है, तो उनसे मुलाकात करेंगे, उनका हाल जानेंगे। साथ ही आपको बताएं कि दीप नारायण यादव से मुलाकात के बाद वो दीप नारायण यादव के घर भी जाएंगे, जेल में मुलाकात के बाद वो परिजनों के से उनके मिलेंगे और उनसे भी उनका हाल चाल जानेंगे। तो कहीं ना कहीं मयूरी देखा जाए तो जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी, अब अगर देखें तो 2017 से चुनाव के बाद 2017 चुनाव में लगभग, अगर चुनाव की बात करें तो चुनाव के समय लगभग 47 सीट मिले, और बात की जाए तो उसमें इजाफा करते हुए 2022 में प्रमुख विपक्षी दल बना और 111 सीटों मिले। मगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव और उनका दल पूरी तरह से मजबूती से खड़ा है कि वो लोकसभा चुनाव में बेहतर मार्जिन के साथ सीटें निकालें। साथ ही अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं आप देख रही होंगी और आम अगर देखें तो अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव के पार्टी में आने के बाद पार्टी एक अलग ही तरह से चल रही है, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं का उसमें भारी हुजम हर दिन पार्टी कार्यालय के बाहर देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये चाचा भतीजे की जो नई रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी के अंदर जान फूंकने की कवायद की जा रही है, इसमें कितनी सफलता मिलती है ये निकाय चुनाव और 2024 चुनाव के बाद साफ होगा। जी विवांशु, ये जो सपा ने लक्ष्य रखा है कि जिलों का भ्रमण करेंगे और कार्यकर्ताओं के घर जाकर उनको अपने साथ जोड़ेंगे, तो क्या इसका आने वाले चुनाव में पार्टी को फायदा मिलेगा, कितनी मजबूती देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आपने विधानसभा चुनाव में देखा कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कहीं देखे तो मार्जिन में आसपास नहीं दिखी, मगर वोट परसेंटेज की अगर बात करें तो वोट परसेंटेज में उसमें काफी इजाफा देखने को मिला। वहीं अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव से पहले 2021 में प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए थे, उस पंचायत चुनाव में कहीं ना कहीं जयंत सिंह की पार्टी, जयंत चौधरी की पार्टी RLD और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो बेहतर कहीं ना कहीं करते नजर आया था। वहीं अगर बात की जाए मयूरी तो अगर देखें तो वही जो चुनावी पैतरा है उसको अपनाते हुए एक बार फिर अखिलेश यादव देखने वाली अखिलेश यादव जयंत सिंह के साथ गठबंधन में है, तो पूरी अपनी जान झोंक चुके हैं, पश्चिम से जयंत लगे हुए हैं, तो देखने वाली बात यह होगी कि ये जो दोनों की जोड़ी है वो कितना निकाय चुनावों पे प्रभाव डाल सकती है। जी धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। जी का
कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे डिप्टी सीएम। लगभग ढाई घंटे मेरठ में ही रहेंगे केशव प्रसाद मौर्य। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अस्पताल पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। बता दें 100 बेड के पीआईसीयू का उद्घाटन करेंगे। शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल पार्क में स्वदेशी मेले का भी उद्घाटन करेंगे। इस खबर पर हमारे संवाददाता अनिल हमसे जुड़ेंगे। अनिल, मुख्यमंत्री बृजेश पाठक आज कानपुर आएंगे, क्या कुछ कार्यक्रम होंगे उनके? जी, मैं बता दूं कि बृजेश पाठक आज कानपुर में आने वाले हैं और जिसके साथ कानपुर में कई प्रोग्राम लगे हुए हैं और वर्तमान में जो कोविड के केसेस देश विदेशों में फैले हुए हैं उसी की कानपुर में भी समीक्षा कर सकते हैं। समीक्षा के अलावा कानपुर में लगभग 100 बेड का पीआईसीयू का उद्घाटन भी करेंगे। लगभग 1:45 बजे का प्रोग्राम होगा। 1:45 बजे के बाद वो कानपुर के एक सेंट्रल पार्क में शास्त्री नगर के सेंट्रल पार्क में स्वदेशी मेले का भी उद्घाटन करेंगे। उसके बाद एक निजी कार्यक्रम में लाजपत भवन में बतौर अतिथि जाएंगे। उसके अलावा बता दूं कि जिस हिसाब से कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं तो एक सूत्रों के माध्यम से खबर आ रही है कि कानपुर के अलर्ट अस्पताल में वहां के अस्पतालों के डॉक्टरों और स्टाफ से भी चर्चा कर सकते हैं, उसकी समीक्षा भी कर सकते हैं, क्योंकि हालांकि बृजेश पाठक पहले से ही इन सब चीजों को लेकर ऑलरेडी एक्टिव है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इन सब चीजों की पूरी तरीके से तैयारियां कर ली है। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री ने इसकी बैठक की थी कोविड को लेकर, जिसमें प्रदेश सरकार ने भी पूरी तरीके से आश्वस्त किया था कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, भविष्य में इस तरीके से कोई भी बड़ी आपदा आती है तो उसके लिए भी हम बिल्कुल हर तरीके से परिपक्व हैं। जिसके चलते कानपुर में भी आज बृजेश पाठक का भी दौरा अहम माना जा रहा है और उसके बाद वो लगभग 3 से 3:15 के बीच में दोबारा लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। जी, बृजेश पाठक कानपुर पहुंचेंगे अनिल, तो क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं, कौन कौन लोग उनके साथ मौजूद रहेंगे? जी, बता दूं कि बृजेश पाठक का आज कानपुर का दौरा है, जिसमें मंत्री राकेश सचान भी मौजूद रहेंगे और जितने भी क्षेत्र के पदाधिकारी होंगे सब भी मौजूद होंगे। और एक कानपुर के सेंट्रल पार्क में एक मेला लगा हुआ है जो कि ODOP के तहत मेला लगा हुआ है, जिसमें टोटल जो प्रदेश की जितनी भी चीजें हैं जिसमें उसका प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें ये बृजेश पाठक पहुंचेंगे। बृजेश पाठक पहुंचने के बाद उसका उद्घाटन करेंगे। उसके अलावा एक निजी प्रोग्राम है उनका, उसमें भी रहेंगे। हालांकि जो सुरक्षा व्यवस्था है पूरी तरीके से तैयारी हो गई है, क्योंकि कल अभी केशव प्रसाद मौर्य भी कानपुर में थे और उसके बाद आज बृजेश पाठक के कानपुर दौरा लगा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से दुरुस्त है इस चीज को लेके, क्योंकि ये सूबे के जो भी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री कानपुर का दौरा आता है तो कहीं ना कहीं कानपुर में प्रशासन इस चीज को लेकर काफी स्वस्थ नजर आता है। जी अनिल, हेलिट हॉस्पिटल में 100 बेड की सौगात देंगे, तो क्या डिप्टी सीएम कानपुर वासियों को और कुछ भी सौगात दे सकते हैं आज? जी बिल्कुल, जैसा कि जो उनके प्रोटोकॉल्स में था चीजों का था कि 100 बेडों का जो पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट में उन्होंने 100 बेड दिए हैं, उसके अलावा पूरे अस्पताल का निरीक्षण भी करेंगे और कहीं ना कहीं ये जो 100 बेडों का अस्पताल दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। और उसके अलावा समय समय पर बृजेश पाठक कानपुर को कुछ ना कुछ देते आए, जब से बृजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग संभाला था तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में इस चीज के लिए काफी खुशी थी और जिस हिसाब से कानपुर के लिए बृजेश पाठक ने लगातार एक इस तरीके की चीजें की है तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी फायदा मिलता है और ऐसा होना भी चाहिए। जी जी, धन्यवाद अनिल तमाम जानकारियों के लिए।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें 13वें फ्लोर पर फिर एक बार बवाल हुआ है। त्योहार में लगे जय श्री राम के नारे, बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रही है। बता दें मारपीट होने के बाद जय श्री राम के नारे लगाए गए हैं। फर्स्ट फ्लोर विंटेज मस्जिद में झगड़ा हुआ है। शराब के नशे में लुट रहे जादू ने हंगामा किया है, लखनऊ से खबर सामने आ रही है। बूम बॉक्स में झगड़ा हुआ है। गोमती नगर विभूति खंड थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। गोमती नगर स्थित समिट बिल्डिंग में मारपीट हुई है, लखनऊ से खबर है। 13वें फ्लोर पर फिर एक बार बवाल हुआ है। त्योहार में लगे जय श्री राम के नारे। बता दें मारपीट होने के बाद जय श्री राम के नारे लगाए गए हैं। फर्स्ट फ्लोर विंटेज मशीन में झगड़ा हुआ है। शराब के नशे में धुत रही जादू ने हंगामा किया है। बूम बॉक्स में झगड़ा हुआ है, लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, गोमती नगर स्थित समिट बिल्डिंग में मारपीट का मामला सामने आया, क्या वजह है मारपीट की, क्या कुछ पूरी घटना है? जी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के गोमती नगर के समिट बिल्डिंग, जो कि प्रदेश भर में अराजकता का एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो केंद्र के रूप में पहचान रखने वाली समिट बिल्डिंग के अंदर में एक बार फिर खुलेआम जो है, जो नियम है उसके धज्जियां उड़ाते हुए नजर आया है। आपको बता दें कि यहाँ नाबालिग लड़के और लड़कियों को कहीं ना कहीं वहाँ एंट्री दी जाती है। साथ ही साथ इस बिल्डिंग में लगभग दर्जनों से ऊपर क्लब है। तो कल पूरे देश और साथ ही साथ विश्व क्रिसमस डे मना रहा था। इस दौरान दो गुटों में मारपीट हुई। मारपीट के दौरान कहीं ना कहीं देखें तो समिट बिल्डिंग की सुरक्षा को लेकर पहले से ही वहां जो पुलिस प्रशासन है वो तैनात था, मगर पूरी तरह से विफल नजर आए। आपको बताएं कि जो पुलिस बल है वो बिल्डिंग के बाहर मौजूद होता है, और वहीं आपको बताएं कि ये झगड़ा जो हुआ है ये दो पक्षों के बीच में हुआ है। अभी वीडियो सामने आया है, इसकी पुलिस कार्रवाई को लेकर तहकीकात कर रही है। अभी बताएं कि आपको 13वें फ्लोर पर विंटेज मशीन में ये लड़ाई हुई। साथ ही साथ पूरे समिट बिल्डिंग में देर रात कल शोर शराबों के साथ जय श्री राम के नारे लगाकर अब लोगों के साथ अभद्रता की जा रही थी। आपको बता दें कि देर रात तक यहाँ शराब परोसी जाती है, साथ ही साथ यहाँ रईस ज्यादा आकर और देर रात तक म्यूजिक पे थिरकते हुए नजर आते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन जहाँ लगातार दावा कर रहा है, इस बात का दावा कर रहा है कि पूरी तरह से देर रात जो नाइट लाइफ है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है लखनऊ के अंदर में, अगर कहीं ना कहीं समिट बिल्डिंग ये पूरी जो नाइट लाइफ है उसको उजागर करते हुए नजर आ रही है। अब मामला ये विभूतिगंज थाना क्षेत्र के अंदर में आता है। अब इस पर पुलिसिया कार्रवाई शुरू हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो दो पक्षों के बीच मारपीट हो रही थी उसमें आगे क्या होता है, और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जो भी उसमें दिख रहा है उस पर जो तमाम क्लब है उनसे उनकी डिटेल्स मांग कर उनपे कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जी जी, धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों में कल होगी मॉक ड्रिल, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना को लेकर सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल होगी। बता दें डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का बयान सामने आया है। सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10 बजे मॉक ड्रिल की जाएगी। बता दें कोविड संबंधित सभी उपकरणों की जांच होगी। उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों में कल मॉक ड्रिल होगी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना को लेकर सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल होगी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का बयान सामने आया है।
सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10 बजे से मॉक ड्रिल होगी। कोविड संबंधी सभी उपकरणों की जांच की जाएगी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों में कल मॉक ड्रिल होगी, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? देखिए मयूरी, जो कोरोना का नया वेरिएंट है, जो चाइना से निकला हुआ BF7, वो काफी खतरनाक है और विदेशों में अपना आतंक मचा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी तक इस वेरिएंट का कोई ज्यादा केस नहीं देखने को मिले हैं। जो चीन से युवक आगरा का युवक चीन से लौटा था, उसके जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए KGMU में उसका सैंपल भेज दिया गया है और कल 27 दिसंबर को ब्रजेश पाठक जो है आज उन्होंने बयान दिया था कि 27 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के जितने भी अस्पताल है वहां पे एक मॉक ड्रिल होगा और कोरोना को लेकर ये मॉक ड्रिल होने वाली है, जिसमें सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में ये मॉक ड्रिल 10 बजे से शुरू होने वाली है। जितने भी उपकरण होंगे कोविड से संबंधित, वो ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहीं किसी को दिक्कत तो नहीं आने वाली है, इसके लिए ये मॉक ड्रिल होने वाली। क्योंकि हमने देखा था कि फर्स्ट और सेकेंड वेव में भारत की स्थिति जो है वो कितनी लचर रही थी इस कोरोना काल में, और जो उपकरण है सरकारी अस्पतालों के उसकी पोल खुल गई थी पहले और सेकेंड वेव में। तो सरकार इस बार पूरा एहतियात बरत रही है, पूरा ध्यान रख रही है कि ऐसी भयंकर स्थिति जो है वो ना होने पाए, इसलिए वो अपने 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 समय के हिसाब से जो है मॉक ड्रिल कराती है और उपकरणों की जांच कर रही है, ताकि अगर केसेस बढ़ते हैं तो लोगों को परेशानी और दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। मेरी जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।